बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नुस्खा है जो मेरा अपना भी आजमूदा है, आपके पेश करता हूँ। ये नुस्खा अक्सीर है दमा के मरीजों के लिए और मेरा ख़ास मुजरब है। मेरे एक दोस्त हकीम ने मुझे ये नुस्खा दिया है जो आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। नुस्खा कुछ ऐसे है कि तुख्मे दतूरा एक माशा और जावत्री एक माशा, लौंग एक माशा और मिर्ची सिया दो माशा, इसमें मगज़ बादाम 7 अदद, गोंद कीकर शामिल करना है। तो जब इसको आप कूट छान लो, बारीक पाउडर की तरह बन जाएगा, और फिर इसको गोंद लें ताज़ा पानी में गर्म पके हुए, फिर इसको छोड़ दें। जब ये सख्त होने लगे खमीरे की तरह तो फिर इससे गोलियां बना लें, वो भी तकरीबन रत्ती बराबर हो, यानी ज़्यादा ना हो, एक रत्ती बराबर की गोलियां बना लें। वो छोटी छोटी गोलियां बन जाएंगी, जैसे मिर्च सिया के दाने होते हैं। तो इस गोली की खुराक एक एक गोली सुबह और शाम दमे वाली मरीज़ को दें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फाका होगा उसको, और उसकी सांस की तंगी और दमे में उसको जो तकलीफ़ होती है इंशाल्लाह अल-अज़ीज़ इससे जाती रहेगी। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि दतूरा की बहुत सी खासियतें, इससे पहले मैंने दतूरा पर एक वीडियो अपलोड की हुई है। मैं दतूरे के ख्वास अफ़ाल व इस्तेमाल, मकाम पैदाइश, सारा कुछ उसमें मैंने बयान किया हुआ है। दोस्तों, ये वो नुस्खा है जो बेशबहा ख़जाने का नाम दूँ तो भी कम ना होगा, क्योंकि इसके असरात भी बहुत ज़्यादा हैं और बहुत से लोगों इससे फैज़याब हुए हैं। आपसे भी यही मेरी इल्तिजा है कि ख़ुद भी इस्तेमाल करें, और अगर कोई ज़रूरतमंद बंदा बनता है तो उसको भी ये बनाकर इस्तेमाल में दे दें। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि जिसको अगर इस बारे में समझ ना आ रहा हो कि दतूरा जो है वो जहर कातिल है, यानी उसको आप मुदब्बर करके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस नुस्खे में उसका जो मकदार है, यानी वो जो मैंने पहले शुरू में इस दतूरे की खासियतों के बारे में बताया था, और इसकी खुराक भी उसमें है कि यानी 2 रत्ती से लेकर 3 रत्ती तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो इंतहाई मजबूरी की हालत में, न तो वैसे इसको 1 रत्ती मकदार ही काफ़ी है। तो इसके साथ जो चीज़ें दूसरी उसके साथ शामिल हो रही हैं उनमें भी अपनी अपनी ख्वास है, वो अपनी जगह पर कारआमद हैं। तो दोस्तों, ये नुस्खा आप ख़ुद भी बनाएं और ज़रूरतमंद बंदों को भी दे दें ताकि किसी का भला हो जाए, और कोशिश ये करें कि मेरी इस वीडियो को लाइक और कमेंट्स और शेयर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये नुस्खा पहुंच सके। मेरी कोशिश यही है कि जो सीना बसीना नुस्खा लोगों से चला आ रहा है, मुझे भी ये उस्ताद की मेहरबानी समझे जिसने ये नुस्खा बताया, और अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर किसी बुखल के दुरुस्त आपको मैंने ये नुस्खा बता दिया। दोस्तों, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स लाजमी दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वस्सलाम।